हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि लड़कियां आखिर लड़कों को पागल क्यों बोलती है। आखिर ऐसा क्या चीज़ें नोटिस करती हैं कि लड़कियां को मजबूर होना पड़ता और कहती है कि तुम पागल हो, तुम मेरे पीछे पड़े। होता क्या है कि जब लड़की सिंगल होती है, जब उसके लाइफ में कोई और नहीं होता है, तो लड़कों को पता लग जाता है कि बेटा वो तो सिंगल है, अब उसको तो पटाना ही पटाना है। तो लड़के उसके पीछे पड़ने लग जाते, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, व्हाट्सएप पे उसकी DP लगाएंगे, और हाँ, प्यार करने के लिए, उसको पटाने के लिए अपना जान निछावर कर देते हैं, दिन रात उसी के पीछे पड़े रहते हैं। अगर घर से भी बाहर निकलेगी तो लड़के पता लगे कि उसके जो आशिक है पीछे 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 जा रहे, तो ऐसे में वो लड़कियों को लग जाता है ये लड़का तो पागल है, मुझे पटा कर ही छोड़ेगा। तो उस टाइम पर आप उसके लिए वो तो बोलेगी कि हाँ आप पागल हो। अगर आप दोस्तों नए हो तो एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है तब वीडियो ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। लड़कियाँ दो चार चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस करती है और मजबूर हो जाती है। सबसे पहले कि वो, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो और उस समय आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा आप अप्रोच करते हो और बहुत कोशिश करते हो कि आपको वो पढ़ जाए, फिर भी नहीं पढ़ती है, तो आप हमेशा उसको कोई ना कोई बहाने से उसको टोकते रहते हो, स्माइल देते रहते हो, उसको छेड़ते रहते हो, तो प्यार से भी लड़कियाँ कहती है पागल। तो ऐसे में भी प्यार का ऐसा ना हो कि आप सीरियस में लेकर बैठ जाओ, हो मुझे तो पागल कह दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको प्यार से भी लड़कियाँ पागल ही कहती है, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा करते हैं। और लड़कियों को पागल पता होता है कि मेरा जो आशिक है मेरे लिए पागल है, बहुत प्यार करता है, मेरे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता। लड़कियों को बहुत इजी तरीके से पता लग जाता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा दीवाना है और मेरे लिए बहुत लॉयल है, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि लड़कियाँ आपको अपने प्यार में कन्वर्ट कर सकती है। और हाँ, कई बार दोस्ती में भी आपको कहीं ना कहीं मजाक में भी बना देगी। अगर आपको कोई लड़की पसंद है और उसको आप बोलते होगे कि हाँ मुझे तुमसे पढ़ जाओ, तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, तो आपको प्यार से भी कह सकती है पागल, क्या कर रहा है तू, तुझे अकल नहीं, तुझे दिमाग नहीं। उसको पता है कि आप उसको लाइक करते, फिर भी ये जरूर कहेगी, ताकि वो पिन मारने के लिए जब उसको पता लग जाएगा कि आप उसके पीछे पड़ गए हो, तो कहीं ना कहीं देखना कैसे वो पीछे भागती है, कहेगी नहीं मुझे तो तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम फ्रेंड ही ठीक हो, तुम फ्रेंड सही हो। ये चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियाँ बोलती है कि तुम फ्रेंड ही अच्छे थे, मैं बेकार में तुमसे पट गई। तो ये सब चीज़ें होती है जो प्यार की शुरुआत होती है। अब प्यार की शुरुआत ना इतने धीरे 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 होती है और आप इतने कनेक्ट हो जाते हो, समय का पता नहीं लगता है। कुछ लोग तो शादी करके ही मानते हैं, कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ता को इतनी जल्दी ख़त्म ही नहीं करते। उनका कहना है कि अगर मैं किसी का साथ पकड़ लिया तो अब मैं शादी करके ही मानूंगा। कई लोग होते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बिना, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी रह नहीं पाते। उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ ना, उसको नाम देकर ही रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, आपको भी ट्रू लव हुआ होगा, और हाँ, आप अभी भी किसी को मिस करते होंगे, तो ज़रूर आप ये सब चीज़ें। और आजकल तो सोशल साइट में प्यार बहुत चल रहा है, सोशल साइट का प्यार इतना ज़्यादा इजी हो चुका है, आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। फीलिंग होना चाहिए, वो फीलिंग आपके लिए किसी के दिल में आ सकता है, क्या पता वो फीलिंग किसी के लिए आपका ट्रू हो। टिल देन।